जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहे बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 10 विभूत योग श्लोक 14। सर्वम ये तत् ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशवा नहिते भगवन् व्यक्तिम् विदुः देवा न दानवाः। ओम। गीताचार श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सब के विभूत योग सिखा रहल बानी। उप प्रक्रिया में अर्जुन श्री कृष्ण परमात्मा से निम्नलिखित तरीका से प्रार्थना कर रहे बाड़े। हे कृष्ण, सृष्टि के काम, पूरा सृष्टि के रक्षा के काम, पूरा सृष्टि के संतुलन में रखे के काम और पूरा सृष्टि के विघटित करे के काम, ई सब तेहरा इच्छा से ही हो रहे बा, ई सब तहार बस में बा। यही के राउर विभूति कहल जाला और तू ही अनंत विशेष और अद्भुत गुण वाला है। हे कृष्ण, ना ता देवता ना राक्षस कबौ राउर असली व्यक्तित्व के समझ सकेला, ना कबौ राउर महिमा के जान सकेले। बाकिर ये कृष्ण तू हमरा के ऐसन महिमा देत बाड़न। ई तरह से अर्जुन आपन आभार और पूरा भरोसा जता रहल बाड़न। हमनी के अर्जुन के स्थान पर रही जा, हमनी के भी महान आस्था के प्रकट करी जा और श्री कृष्ण परमात्मा की कृपा खातिर जरूरी पात्रता प्राप्त करे के कोशिश करी जा और अर्जुन के वचन के ठीक और सही दोहरावे जाए जैसन श्लोक के रूप में बा। सर्वमे तत्र तमन्ये यन्माम वदसि केशव नहिते भगवन् व्यक्तिम विदुर देवान दानवाः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर दिले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के अपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाही। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग आ दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सब की कल्पना करे के चाही कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन्नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास हुआ कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहां आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोरे शरण में रहब। हमनी के छठवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब।
हमनी के सातवा वादा हे श्रीमन्नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम एक श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के आठवा वादा हे श्रीमन्नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गहलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित वा। हे श्रीमन्नारायण, हम उई करम जौन तू करई का कहब, हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन्नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम उइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन्नारायण करशे वचनम त्वा, श्रीमन्नारायण हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन्नारायण। सर्वम ये तत् ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशवा, नहिते भगवन् व्यक्तिम विदुः देवा न दानवाः। ॐ सर्वमेतत्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहिते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव, सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सभक लोगों से विशेष अनुरोध बा, जीवन में हर चीज में हमनी के तत्कालिक और प्रभावशाली परिणाम की अपेक्षा रहला। एकरा खातिर आइए रोजाना एक मिनट के समय निकालल जाए और नारायण आस्त्रम पढ़ल जाए। नारायण आस्त्रम प्राप्त करे खातिर नारायण आस्त्रम वेबसाइट पर जाई, जो www.narayanastram.org है, और पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दर्ज करें। आपके द्वारा प्रदान कई गई ईमेल पर आपका एक नारायण आस्त्रम PDF प्राप्त हुई। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम बा। ये तीनों के मिल के नारायण आश्रम कहल जाला। हर व्यक्ति के ये श्लोक के अलग अलग संयोजन मिलेला। जब हर कोई 24,000 भक्तन के साथ रोजाना आपन नारायण आश्रम पढ़त सुनत बा, ता हर दिन संपूर्ण रामायण का एक दौर, श्रीमद् भगवत गीता पुराण के 33 दौर और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पुराण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होयला। ई एक बहुत ही उल्लेखनीय और विलक्षण परिणाम बा, जौन हर एक दिन ऐश्वर्य से निकलेला। ई कारण बा कि आप और आपके परिवार के सदस्य तुरते जाके आपन नारायण आस्त्रम प्राप्त करी। जय श्रीमन्नारायण।